मणिपुर की हृदय विदारक घटना के विरोध में सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष आशा वर्मा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। बुधवार को वायरल हुए वीडियो को जिसने भी देखा वो शर्मसार हो गया। देशभर में घटना को लेकर बेहद गुस्सा और नाराजगी है। पीलीभीत समाजवादी पार्टी महिला सभा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पीलीभीत के छत्री चौराहा पर आशा वर्मा के नेतृत्व एकत्र हुई और सभी समाजवादी क्रांतिकारी साथियों ने मणिपुर की सड़क पर रोती गिड़गिड़ाती दो नग्न महिलाएं को भेड़ियों की तरह उनके शरीर को नोचते घसीटते लोग दरिंदगी की सभी सीमाएं लांघ दी। भीड़ बुधवार को वायरल हुए इस वीडियो को जिसने भी देखा वो शर्मसार हो गया। देश भर में इस घटना को लेकर बेहद गुस्सा और नाराजगी है। देश को शर्मसार करने वाली इस विभत्स घटना पर समाजवादी पार्टी की महिला सभा आक्रोशित है और इसके विरोध में आज शाम कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जिसका नेतृत्व आशा वर्मा जिला अध्यक्ष महिला सभा ने किया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि दिव्या गंगवार, राष्ट्रीय सचिव महिला सभा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, महासचिव सारिका रजा मंसूरी व नफीस अहमद अंसारी, सपा जिला उपाध्यक्ष बालकराम सागर, सपा प्रवक्ता एड अमित पाठक, सपा जिला उपाध्यक्ष काशीराम सरोजी, प्रदीप पटेल, प्रदीप यादव, धर्मेंद्र गौतम, सुरेश वर्मा, कृष्णा वर्मा, राजू कश्यप, विवेक यादव, मीना दीक्षित, राजकुमारी यादव, ममता सक्सेना, मीता सिंह 129 विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, लोक वाहिनी, विशाल वाल्मीकि, नरेश कुमार, शरफुद्दीन नूरी, मीना, पप्पू शाह, रूपलाल गंगवार, मोनिश खान शेरी, डिम्पल गौर, आशीष चौहान, के पाल सहित तमाम नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं महिला सभा के पदाधिकारी मौजूद रही। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट।